So today we will start activity diagram practical in StarUML. So what you have to do whenever you start StarUML, you have to go to the model, add diagram, and then select the activity diagram. Okay, स्टेट चार्ट के बाद हमने पढ़ा एक्टिविटी डायग्राम, उसी के नीचे यहाँ पर एक्टिविटी डायग्राम है. इस एक्टिविटी डायग्राम को आप सेलेक्ट कर लेंगे. अब आपने जब एक्टिविटी डायग्राम सेलेक्ट किया है तो आप ये देखो वर्किंग डायग्राम जो लेफ्ट में, उसमें आपको करेंटली दिख जाएगा कि करेंटली यू आर वर्किंग एट एक्टिविटी डायग्राम नंबर वन. इफ़ यू विल एड मोर डायग्राम देन इट विल गो टू द एक्टिविटी टू एंड थ्री एंड ऑन एंड सो ऑन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू सी the module of for the activity diagram. In the bottom left side there are the notations given, that is the action. ye hum sare already theory class mein padh chuke hain. Then initial point with solid circle, then final point with circle dot inside, then fork, one input multiple outputs, join multiple out input single output, then merge diamond mein multiple input single output, then decision diamond mein single input multiple outputs, right, and then control flow to connect all this. To control flow hai wo in sab cheezon ko connect karega. To ab humko kya karna hai, drag and drop ki help se jo bhi aapko particular merge fork join decision control flow final initial actions jo bhi aapko lena hai with the help of ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन हम क्या करेंगे, इसको हमारी जो ये डायग्राम स्क्रीन है, जो बीच की स्क्रीन है वाइट कलर की, इसको डायग्राम स्क्रीन बोलते हैं, जहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वहाँ पर लेकर आएंगे और हमारा डायग्राम को कंप्लीट करेंगे. सो जस्ट सी वन एग्जाम्पल जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, फिर हम कोई नया एग्जाम्पल लेके यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले आपने ये जो इनिशियल लिखा है लेफ्ट साइड में, उससे इनिशियल लिया और आपने स्टार्ट किया आपकी एक्टिविटी डायग्राम को बनाना. फिर आपने लिया यहाँ पर एक्टिविटी, जो आपने एक्टिविटी लिया है, अब आपने ये जो एक्टिविटी लिया है, इस एक्टिविटी पे अब आप क्या करेंगे, यू विल मेक हियर एक्टिविटी इन विच यू विल राइट द मैसेज ओपन द सिस्टम एंड क्लिक द लॉगिन. सपोज मैं जीमेल सिस्टम के लिए बना रही हूँ, मैंने एक जीमेल अकाउंट के लिए बनाया, तो ओपन द सिस्टम एंड क्लिक फॉर लॉगिन, मतलब मैं वेब ब्राउजर ओपन करूंगी और मैं जीमेल पे लॉगिन के लिए क्लिक करूंगी. नाउ ये कर लिया, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी क्या हो रही है, एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड. कि अब मेरे पास यूजर आईडी और पास जीमेल आईडी और जीमेल पासवर्ड डालने का ऑप्शन आया है, मैं उसमें पासवर्ड और यूजर आईडी मेरा एंटर कर रही हूँ. अब डिसीजन बॉक्स मैंने लगाया जिसमें एक इनपुट है और दो आउटपुट है, एक इनकरेक्ट और एक करेक्ट. तो ये डिसीजन बॉक्स हुआ, ये मर्ज नहीं हुआ क्योंकि इसमें सिंगल इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट्स है. तो अब यदि करेक्ट है तो मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा, मतलब ये यूज़र आईडी पासवर्ड के क्रेडेंशियल्स यदि करेक्ट है तो मैं एंटर हो जाऊंगी, मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा, मतलब आई कैन एबल टू चेक ईमेल, राइट. बट इफ इट इज़ इनकरेक्ट, यदि वो इनकरेक्ट है तो आई विल नॉट बी ओपन टू चेक माई ईमेल, मुझे री एंटर करना पड़ेगा मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड. इसलिए मैंने यहाँ से जो सेकेंड चीज़ है, मैं री एंटर एक और एक्टिविटी बना दी और इसको वापस से यूज़र आईडी, मतलब जब तक इनकरेक्ट आता रहेगा मुझे यूज़र आईडी मल्टीपल टाइम जो है वो ट्राई करने पड़ेंगे, राइट. नाउ यदि करेक्ट होता है, यदि सब कुछ करेक्ट है, मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है, तो अब यहाँ पर मेरे पास अकाउंट ओपन होने के बाद आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस. यहाँ तो मैंने बहुत सिंपल बनाया है, लेकिन आप कंपोज मेल कर सकते हो, रिसीव्ड मेल को चेक कर सकते हो, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर चेंज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जीमेल में. तो आपको फॉर्क की हेल्प से, जहाँ पर सिंगल इनपुट है पर मल्टीपल आउटपुट है, उसके साथ आप जितनी भी पैरेलल एक्टिविटी करवा सकते हो, सारी पैरेलल एक्टिविटी को आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे मैंने यहाँ पर दो ही एक्टिविटी लिखी, चेंज पासवर्ड और चेक मेल. सपोज मुझे कोई और एक्टिविटीज में इंक्लूड करना है राइट कंपोज में, तो आई विल टेक एक्शन, आई विल क्लिक हियर, आई विल राइट द नेम ऑफ द एक्शन एज कंपोज मेल, राइट. मैं कंपोज मेल करूंगी और यहां से एक कंट्रोल फ्लो बना दूंगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बार टू हियर,
ठीक है, टेक अ कंट्रोल फ्लो, और ये कंट्रोल फ्लो को यहाँ से लेके आप कंपोज मेल तक बना देंगे, करेक्ट। ये मैंने ऐड कर दिया। सिमिलर मैनर में आपने अब यहाँ पर आउटपुट जो है आपके कितने हैं, आपके आउटपुट 3 हैं। तो यदि आपके आउटपुट 3 हैं तो आपको ये जो जॉइन आपने इसके नीचे लगाया है, इस जॉइन को भी आपको कितने देना पड़ेंगे इनपुट, 3 इनपुट देना पड़ेंगे। तो आप यहाँ से कंट्रोल फ्लो लेंगे कंपोज मेल से और इस जॉइन पे इसको क्लिक कर देंगे। आपको क्लियर है सिंक्रोनाइजेशन कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ जॉइन एंड फॉर्क। और फाइनली ये जॉइन होने के बाद हमने लिखा लॉग आउट, मतलब हेलो हेलो यस मैम, यस मैम। लिशा कहाँ पर जाके आवाज आना बंद हो गई थी, कहाँ पर जाके ब्रेक हुआ? कंट्रोल फ्लो। ओके चलिए, तो आप ओके नो प्रॉब्लम। तो आप इस तरह से कोई भी, जैसे आपने कंपोज मेल ऐड किया, आपने चेक मेल ऐड किया राइट, फिर आपने क्या किया यहाँ पर चेंज पासवर्ड किया। सपोज आपको सिग्नेचर डालना है, वो आता है ना कि अति जैन सेज यूनिवर्सिटी में मेरा मोबाइल नंबर आता है, मतलब बहुत सारी सिग्नेचर रख के हर मेल में डिफॉल्ट वो सिग्नेचर रहेगा ही रहेगा। आपको सपोज वो ऐड करना है तो एक और एक्शन ले लो, यहाँ पर उसको ऐड कर दो और यहाँ पर लिख दो ऐड या अपडेट सिग्नेचर, मतलब ऑलरेडी है तो अपडेट करना रहेगा और नहीं है तो आपको ऐड करना रहेगा। या आपने एक और कर दिया, ठीक है। क्या हो रहा है ये, चलो ऐड ही लिख देते हैं अभी तो, पता नहीं व्हाट्स गोइंग ऑन। चलो ऐड लिखा, अब इसको आपको क्या करना है, ये ऐड है तो इसको भी आपको कंट्रोल फ्लो की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको मर्ज करना पड़ेगा, राइट। ये ऐड आपने ऐड कर दिया और ये ऐड जो है इसको जॉइन में भी वापस से आपको ऐड करना पड़ेगा इस तरफ से। तो ऐसे मल्टीपल, मतलब ओपन अकाउंट करने के बाद आप ऐड कर सकते हो सिग्नेचर को, चेंज पासवर्ड कर सकते हो, चेक मेल कर सकते हो, कंपोज मेल कर सकते हो। ये सारे काम खत्म होने के बाद आप ज्वाइन करेंगे, फिर आप लॉग आउट करोगे और आप एंड में आपकी जो फाइनल स्टेट है वो क्या हो जाएगी, आपकी एंड हो जाएगी। क्लियर है आपको ये चीज, इस डायग्राम क्लियर टू यू, कैसे बनाएंगे समझ में आया आपको, यस और नो, यू गॉट द पॉइंट? यस मैम। ओके देन, यस मैम, यस मैम, फाइन फाइन फाइन। चलिए नाउ लेट्स चेक फॉर अदर थिंग। अब वापस से मैं यहाँ पर मॉडल में जा रही हूँ, ऐड डायग्राम ले रही हूँ और वापस से क्या ले रही हूँ, फ्रेश एक्टिविटी डायग्राम, एक नया एक्टिविटी डायग्राम ले रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सपोज किसी कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, या हम एक काम करते हैं, हम ATM के लिए बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ATM के लिए बना रहे हैं यहाँ पर हम, ओके। तो ATM के लिए बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपके सिस्टम में सपोज आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप इनिशियल पे जाएंगे एंड देन आप सबसे पहले यहाँ नोड लोगे, दैट इज आपने स्टार्ट किया। अब उसके बाद आपको एक्शन लेनी है। अब सबसे पहले हम ATM पे जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी इंसर्ट द कार्ड, ठीक है। तो इंसर्ट ATM कार्ड, ठीक है, हमने ATM कार्ड को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने ATM कार्ड को इंसर्ट कर दिया, अब हमको कंट्रोल फ्लो बनाना पड़ेगा, दैट स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब इन दोनों के बीच में हमको कंट्रोल फ्लो बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक होगा कि आपका जो आपने जो ATM कार्ड इंसर्ट किया है, अब इंसर्ट करने के बाद आप इसमें क्या करोगे, पिन ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, इंसर्ट पिन, ATM में जाके पिन को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब वापस से आप कंट्रोल फ्लो बनाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको लेफ्ट हैंड बॉटम लेफ्ट से आपको
नोटेशन शॉर्टकट्स नहीं लेने हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो. देखो इसको इंसर्ट पिन को डबल क्लिक किया, अब मुझे डिसीजन बॉक्स लगाना है. तो देखो डिसीजन बॉक्स का सिंबल कहाँ पर आ रहा है, ये मल्टीपल वाला, ये वाला आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से आप ले सकते हो इंसर्ट बॉक्स. देखो अपने आप यहाँ पर डिसीजन बॉक्स विथ टू आ गया, मतलब दो कंडीशन. कल कौन पूछ रहा था ना कितनी कंडीशन, इसमें दो ही कंडीशन होगी. तो एक को ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से आप उसको डायग्राम को अच्छा बना लें, और एक को हम यहाँ पर नीचे लेके आ जाएंगे. अब ये जो डिसीजन बॉक्स है यहाँ पर आपको क्या चेक करना है कि आपने जो पिन इंसर्ट किए वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. तो आप इसको डबल क्लिक कर ले लाइन के ऊपर और आप लिखेंगे यहाँ पर इनकरेक्ट. ठीक है, और यहाँ पर आप डबल क्लिक कर लें और यहाँ पर लिख लें करेक्ट. कि यदि आपकी जो पिन है यदि वो इनकरेक्ट है तो आप एक्शन क्या लोगे, री एंटर द पिन. मतलब आप वहां पर क्या करोगे, पिन को री एंटर करोगे. ठीक है, और री एंटर करने के बाद आप इसको यहाँ से री एंटर पिन से लेके इंसर्ट पिन पे फिर से बना दोगे. और इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम इस तरह से खींच देंगे और इस पे ऐसे 90 डिग्री बना देंगे, तो बस आपको एक कंप्लीट फिगर, ऐसा कंप्लीट रेक्टेंगल दिखने लग जाएगा. ठीक, और यदि आपका इंसर्ट पिन करेक्ट है तो आप क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, यदि इंसर्ट पिन आपकी करेक्ट है तो आप क्या करोगे, यू विल व्हाट यू विल डू, यू विल इसके बाद आप क्या करोगे, एंटर द एक्शन. ठीक है, या यहाँ पर आप करोगे चूज द ऑप्शन. आ रहा है आप लोगों को समझ में, अब आपका करेक्ट है तो ऑप्शन चूज कर लोगे. अब आप जब ऑप्शन चूज करते हो तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस. कौन बताएगा कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, हु विल टेल मी द नंबर ऑफ ऑप्शंस. चेक बैलेंस, ओके वेरी गुड. और मिनी स्टेटमेंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट. यस, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, देन अ बैलेंस, विड्रॉ का आता है. यस, देन मिनी स्टेटमेंट प्रिंट करने का आता है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो चूज द ऑप्शन पे जाओगे, डबल क्लिक करोगे और ज्वाइन सॉरी फॉर्क लगाना है. तो देखो फॉर्क में कौन सा आएगा, ये वाला. देखो यहाँ पर लिखा है एड फॉर्क, आ भी रहा है. आप भूल जाओ सपोज कि इसमें सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट है तो एड फॉर्क आ भी रहा है. इसको सिलेक्ट कर लो एड फॉर्क को. देखो ऑटोमेटिकली आपने एड फॉर्क को सिलेक्ट किया तो ये बार भी आ गया यहाँ पर, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं या बार बोलते हैं, वो भी आ गया, सिंगल इनपुट भी आ गया और मल्टीपल एक्शंस भी आ गए. अब इसमें आप सबसे पहले लिख लोगे कि प्रिंट मिनी स्टेटमेंट. आप मिनी स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हो, ये एक चीज हो गई आपकी. इसको थोड़ा सा साइड में लिख के जाते हैं. अब एक्शन टू, आप क्या कर सकते हो, चेक बैलेंस. आप सिर्फ बैलेंस का अमाउंट देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, राइट. उसके बाद आपको यहाँ पर और एक्शन सपोज लगानी है तो आप इस तरह से एक्शन को ऐड कर सकते हो. अब यहाँ पर अब और आप क्या लिख सकते हो, अभी किसी ने क्या बोला था, प्रिंट मिनी स्टेटमेंट, चेक बैलेंस, फिर विड्रॉवल. ठीक है, आप विड्रॉवल कर सकते हो. चलिए विड्रॉवल करने के बाद और कौन बताएगा मुझे, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कौन बताएगा. करंट और सेविंग अकाउंट अभी नहीं आएगा. यस, चेक पिन, अमित विला ने बोला चेक पिन. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा चेक, सॉरी चेंज पिन. चलिए सपोज अभी समझने के लिए हम चार चीजें लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब कोई बार बार मुझे बोल रहा था मैडम करंट या सेविंग अकाउंट, वो यहाँ नहीं आएगा. वो कहाँ आएगा, अब यहाँ पर आप विड्रॉवल पे गए. अब आपको विड्रॉवल पे जाके फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पर फिर डबल क्लिक करोगे और फिर से यहाँ पर ज्वाइन ले लोगे, एट फॉर्क ले लोगे. अब यहाँ पर आपके पास फिर से दो ऑप्शंस है. क्या ऑप्शन है, विड्रॉवल करना तो करंट अकाउंट, या आपका यहाँ पर आ जाएगा सेविंग अकाउंट. सही कर रही हूं मैं, उसको मैंने डायरेक्ट ऑप्शन में क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो विड्रॉवल के पार्ट है, करंट अकाउंट और ये. अब चेक बैलेंस,
चेक बैलेंस आपका हो जाएगा, प्रिंट विनिंग स्टेटमेंट डायरेक्ट हो जाएगा और चेक पिन भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अब आपने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कर दिया, अब इसमें आपको फर्दर वापस से क्या लगाना पड़ेगा, ज्वाइन। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ज्वाइन, सिंगल डंडा और कंट्रोल फ्लो से आप इसको, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगा और आपका कंट्रोल फ्लो से, क्योंकि ज्वाइन में क्या होते हैं मल्टीपल इनपुट होते हैं। हो गया, अब यहाँ पर आप वापस से एक्शन ले लो और यहाँ पर लिखोगे आप एंटर अमाउंट। अब यहाँ पर आप अमाउंट को एंटर करोगे और यहाँ पर जो इनपुट होगा, क्योंकि ये ज्वाइन है इसमें मल्टीपल इनपुट है, तो जो इससे आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंटर अमाउंट, आ गया एंटर अमाउंट। अब आपने एंटर अमाउंट आ गया, अब आप क्या करोगे, एंटर अमाउंट करने के बाद अब आपका ये वाली प्रोसेस तो पूरी क्या हो गई है, एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब आप वापस से ज्वाइन लगाओगे। क्यों लगाओगे ज्वाइन, क्योंकि आपको इन सब को देखो, प्रिंट मिनी स्टेटमेंट से कंट्रोल फ्लो लिया, वो ज्वाइन पर डाला, क्या हुआ जस्ट वेट मिनट, हाँ यहाँ से प्रिंट मिनी स्टेटमेंट से लिया, ज्वाइन पर डाला, उसके बाद चेक बैलेंस से लिया, वापस से ज्वाइन पर डाला, ठीक। अब फिर दूसरा कंट्रोल फ्लो लिया एंटर अमाउंट से और ज्वाइन पर डाल दिया, और लास्ट वाला लेंगे चेक पिन से और उसको भी कहाँ डाल देंगे, इस पे डाल देंगे, करेक्ट। इसको थोड़ा सा फर्निश करने के लिए थोड़ा साइड में ले जाओ, अलग से दिख जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ये एंटर अमाउंट को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो ये लाइन इसके ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। देखो बहुत सुंदर डायग्राम, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है एकदम अब, ठीक है। अब इसके बाद फाइनली वापस से आपको क्या करनी है, एक्शन परफॉर्म करनी है। अब एक्शन परफॉर्म करने के बाद अब आपका क्या हो जाएगा, रिसीव अमाउंट फ्रॉम स्लॉट, मतलब जहाँ पर पैसे आते हैं वहाँ से हम अमाउंट ले लेंगे। तो ये कंट्रोल फ्लो लगाया, यहाँ से ज्वाइन है, ये मल्टीपल इनपुट हो गया और सिंगल आउटपुट हो गया। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ रिपीट करती हूँ, क्या हो रहा है, ये कंट्रोल फ्लो क्यों नहीं लग रहा है, व्हाट हैपेंड, वेट अ मिनट, ओके लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंट्रोल फ्लो ओके, ठीक है, ये हो गया। अब रिसीव अमाउंट फ्रॉम हमने स्लॉट कर लिया, अब कौन बताएगा इसके आगे क्या होगा, कौन बताएगा अब क्या होगा, एनीवन, क्लोज, क्लोज कर, यस कार्ड रिमूव होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिसीव अमाउंट फ्रॉम स्लॉट होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर वापस एक एक्शन लिखेंगे, रिसीव अमाउंट फ्रॉम स्लॉट, फिर यहाँ पर एक्शन जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर कार्ड इजेक्ट। अब हमारा कार्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे हमारा अमाउंट आ गया कार्ड इजेक्ट हो जाएगा, ठीक। और कार्ड इजेक्ट होने के साथ साथ हो सकता है कि आपको रिसिप्ट भी प्रिंट हो जाए, ये मिनी स्टेटमेंट से अलग वाली रिसिप्ट है, अभी जो आपने लास्ट ट्रांजेक्शन किया है उसकी रिसिप्ट है, तो ये रिसिप्ट हो जाएगी। या दोनों चीजें एक साथ होती है तो आप फिर से ज्वाइन भी लगा सकते हो, ठीक है, ये डिपेंड ऑन यू, प्रिंट रिसिप्ट बस, और उसके बाद फाइनल। और फाइनल करने के लिए या तो आप देखो यहाँ से फाइनल पे क्लिक करके ऐसे फाइनल करके फिर कंट्रोल फ्लो पे भी कर सकते हो, और ऐसा नहीं करना है तो प्रिंट स्किप पे डबल क्लिक किया, प्रिंट रिसिप्ट पे क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट वेट, ओके। यहाँ पर आप पहले फाइनल स्टेट ले लो, फाइनल स्टेट को यहाँ पर क्लिक किया, और ऐसा नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट करके देखो फाइनल स्टेट का ये एंडिंग ऐसे भी आ जाएगा, ये वाले को आप डिलीट कर दो तो ऑटोमेटिकली एरो भी आ जाएगा, आपको एरो अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। क्लियर टू यू दिस डायग्राम, वेरी क्लियर कैसे बनाया हमने एक्टिविटी डायग्राम स्टार यूएमएल में, पहले स्टार्ट किया, इंसर्ट एटीएम कार्ड, देन इंसर्ट पिन, पिन को चेक किया, यदि करेक्ट है तो मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं उनको, मल्टीपल ऑप्शंस को हमने अडॉप्ट किया, मल्टीपल ऑप्शंस हमारे अडॉप्ट हो गए, उसको हमने ये लगाया,
मतलब एक ही डायग्राम में हमने सब चीजें लगा दी और हमारा डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। किसी को इस डायग्राम में डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी कैन स्विच टू सम अदर डायग्राम। आप बोलो कि तो मैं एक आध डायग्राम की और आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताइए कि मैडम ऐसा क्यों लगाया। हाँ बोलो मैम, ये रिसीव अमाउंट फ्रॉम स्लॉट तो विड्रॉल का पार्ट है ना, आपने सब में ज्वाइन क्यों किया? क्या बोल रहे हैं आप? ये रिसीव अमाउंट विड्रॉल का पार्ट हुआ ना। अच्छा कोई बात नहीं, यदि आपको इस तरह से डाउट आ रहा है तो आप उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये जो रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम ये है आप इसको ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ से आप जैसे इसको आप ऐसा तो आपको चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डिलीट कर दो और ये जो कंट्रोल फ्लो है डायरेक्ट इजेक्ट कार्ड से कर दो, राइट। और आपको ये वाला जो एरो है इसको थोड़ा सा साइड में करके और एंटर अमाउंट जो यहाँ पर इसको डिलीट कर दो इस एरो को, और यहाँ पर एक एक्शन लगा दो और यहाँ पर उस चीज को डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है कि रिसीव अमाउंट। ठीक है, आपके कह आपका कहना भी सही है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से रिसीव अमाउंट कर दो इसको कंट्रोल फ्लो, अब यहाँ से एंटर अमाउंट से रिसीव अमाउंट पर आ जाएगा और फिर लास्ट वाला जो है वो रिसीव अमाउंट से इस एंड पर आ जाएगा बार पर, और ये वाला डिलीट हो गया ना, तो चेंज पिन से एक यहाँ पर भी कर दीजिए, करेक्ट। ठीक है सिस, ओके इस तरह से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम, कोई तो इट्स ऑल अप टू यू, थोड़ा बहुत 10% 20% चेंजेस जो है वो इट कैन पॉसिबल एंड इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डेफिनेटली इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सिस्टम डेवलपमेंट, कि आप किस तरह का सिस्टम बना रहे हो उसमें किस तरह का फ्लो कर रहे हो, दैट डिपेंड्स, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो डायग्राम है वो कम्प्लीटली ATM सिस्टम के लिए आप बना सकते हो, क्लियर। इसको आप सेव कर देते हैं अपन फाइल पे जाके, सेव एज नहीं करेंगे, इट्स ऑलरेडी सेव, सो फाइल पे जाके इसको सेव करेंगे, राइट। नाउ आपको दूसरा एक्टिविटी लेना है, अगेन आप टूल पे गए, सॉरी मॉडल पे गए, ऐड डायग्राम किया, अगेन एडिंग द एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले आप कुछ भी करें, आप यहाँ पर आप कुछ भी करें, सबसे पहले जो आपको शुरू करना है वो हमेशा इससे करना है। अब सपोज आपने एक्शन परफॉर्म किया लॉगिन, अपन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का बनाने की कोशिश करते हैं, चलो लेट्स चेक। तो आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ डिसीजन फ्लो लगाया, राइट। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको लॉगिन जो आपने किया है उसको ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर आपने जो एंटर पिन और जो किए वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो चेक लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं फास्ट लिखती हूँ, हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, आप लोग इतना कंसिडर कर लिया करो लॉगिन से, यहाँ पर चेक। अब आपको डिसीजन बॉक्स लेना है, डबल क्लिक किया, यहाँ से भी डिसीजन बॉक्स ले सकते हो, ये डिसीजन बॉक्स आपने ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप से आप करेक्ट कर लो, एक्शन को ऊपर ले जाओ, एक्शन वन को नीचे ले आओ। अब यहाँ पर आपने लिखा लाइन पर चेक राइट, सॉरी यहाँ पर लिख दो रॉन्ग, ठीक है, और यहाँ पर डबल क्लिक करके लिख देंगे राइट, राइट या रॉन्ग, मतलब लॉगिन क्रेडेंशियल राइट है या रॉन्ग है। अगेन यदि रॉन्ग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन टू से ऊपर ले जाना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू री एंटर। कौन है ये, म्यूट योर सेल्फ, मैं रिमूव कर दूं, ओके। तो री एंटर किया और यहाँ पर राइट है तो आप एक्शन आपकी क्या परफॉर्म होगी, यहाँ पर आप क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे कि फर्दर यू हैव टू प्रोसीड, मतलब जो भी सिस्टम है तो यहाँ पर करोगे लॉगिन सक्सेसफुली, राइट, आपने लॉगिन जो है आपका सक्सेसफुल हो गया। अब आपने यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है, उसके बाद आपने यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अब अगेन आप लॉगिन करने के बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, मतलब वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर आप किसके लिए बना रहे हो, या एडमिन के लिए बना रहे हो या एज अ स्टूडेंट बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा
कि आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए सिस्टम में, आगे कैसे प्रोसीड करोगे. फॉर सपोज हम एडमिन के लिए बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पर आप फॉक लगा लो एक, क्योंकि देर आर, जैसे आप लॉग इन करोगे डेफिनेटली देर विल बी अ मल्टीपल ऑप्शंस. तो यहाँ पर एक दो एक्शन, ठीक है, यहाँ पर एक और ले लो, सपोज यहाँ पर थर्ड एक्शन, सपोज यहाँ पर एक और ले लो, सपोज यहाँ पर फोर्थ एक्शन. अपन मल्टीपल एक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करेंगे. अब आपकी जो एक्शन वन है, सपोज आपने लिख दिया इसमें मैनेज ब्रांच, ठीक है, फिर आपने लिख दिया मैनेज स्टूडेंट, क्योंकि एडमिन के पास तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच भी रहेगी और डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स भी रहेंगे, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी रहें, ठीक है. तो आप देखो इसमें मल्टीपल, आपका सिस्टम तो बहुत बड़ा हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर. फिर यहाँ पर मैनेज बुक्स, उसके पास तो बुक्स भी है बहुत सारी, तो मैनेज बुक्स भी लिख देगा वो यहाँ पर, ठीक है. और मैनेज बुक के बाद सपोज लास्ट ऑप्शन है मैनेज फंड्स. मैनेज फंड्स मतलब यदि वो कोई पेनाल्टी वगैरह बच्चों पर लगा रहा है तो वो भी हो जाएगा. अब कंट्रोल फ्लो से ये दोनों तो ऑलरेडी कनेक्टेड थे, मैनेज बुक को कनेक्ट कर दीजिए आप कंट्रोल फ्लो की हेल्प से. क्या हो रहा है कंट्रोल फ्लो जुड़ क्यों नहीं रहा है, ये जुड़ गया और ये वाला, जस्ट अ मिनट, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. चलिए कोई बात नहीं, मैनेज बुक कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा कनेक्ट, कुछ एरर आ रही है. चलिए आपने मैनेज बुक कर लिया. आप देखो एवरी एक्टिविटी हैज इट्स ओन सब एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के दूसरी सब एक्टिविटी पे, जैसे हम मैनेज ब्रांच में जाएं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐड या डिलीट ब्रांच, या कोई ब्रांच फ्यूचर में बंद हो गई है ना, या तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, या सपोज कोई ब्रांच नई खुल गई है तो आप उसको वो कर सकते हो, तो ऐड या डिलीट ब्रांच, ठीक है. आपने ये बना लिया है एड या डिलीट ब्रांच, एड डिलीट ब्रांच, ओके. एड स्लैश डिलीट कर रही हूँ मैं, ठीक है, टाइम कम बचा है. आई डो नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, अभी ऐड लिख दिया है मैंने, वो पता नहीं क्या हो रहा है, आई डो नॉट नो. सो बस इसका कंट्रोल फ्लो यहाँ से आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. इसके बाद कोई फर्दर हो तो ठीक, अदरवाइज आप क्या कर लोगे, अगेन मर्ज ले लो यहाँ पर एक, और सॉरी यहाँ पर ज्वाइन ले लीजिए, और ज्वाइन लेने के बाद यहाँ पर आप इस ऐड को यहाँ पर ज्वाइन करवा लीजिए. ओके, अब वैसे ही आप मैनेज स्टूडेंट के लिए कर लोगे. आपको जैसे मैनेज स्टूडेंट में भी ऐड या डिलीट स्टूडेंट करना है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको जैसे ऐड और डिलीट स्टूडेंट करना है, तो यहाँ पर भी आप ऐड और डिलीट लिखोगे, मैनेज स्टूडेंट से यहाँ पर एक फ्लो बनाओगे और एक कंट्रोल फ्लो यहाँ पर जाके इसको मर्ज कर दोगे इस तरह से. आई डो नॉट नो क्या हो रहा है. चलिए वैसे ही आप ऐड और डिलीट बुक भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है. थोड़ा सा बड़ा बना के देखते, शायद स्पेस कम पड़ रही है उसको. ऐड स्लैश डिलीट बुक्स है ना, आप डिलीट बुक तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पर रिमूव बुक आप ले सकते हो, ठीक है. तो इस तरह से आप बना लेंगे, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर मर्ज कर लेंगे कंट्रोल फ्लो की हेल्प से. जैसे ये वाला एक्शन है, ये भी यहाँ के मर्ज हो गया. यहाँ पर सपोज मैनेज फंड है, आप पेनाल्टी यदि कोई ऐड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर भी इससे भी क्लोज कर सकते हैं. आपके मैनेज फंड्स को भी आप यहाँ पर आके
एंड कर दीजिए, ठीक है। और इस तरह से आपका सिस्टम जो वर्क कर लेगा और फाइनली आप यहाँ पर लॉगआउट भी कर सकते हो। आपको चाहे लॉगआउट लिखना हो तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी एंड का सिंबल भी बना सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप इस तरह से लॉगआउट भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके कंट्रोल फ्लो बना दीजिए, स्विम लाइन ये जो आपका है लॉगआउट का, और यहाँ से लॉगआउट का यहाँ से। हाँ बोलो। मैनेज फाउंड में कुछ नहीं लिखेंगे क्या? मैनेज किसमें? मैनेज फंड, मैं बोल रही हूँ ना आपको लिखना है तो लिख सकते हो आप, यहाँ पर मैनेज फंड है तो रिसीव, आप रिसीव करोगे पेमेंट स्टूडेंट से या उसको इम्पोज करोगे, आप लिख सकते हो। मैं आपको अभी टाइम खत्म हो गया इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली उसको बता दिया, इट्स ऑल अप टू यू। आपके सिस्टम में आपको फंड मैनेज करना है तो उसमें फर्दर चीजें लिख दोगे, नहीं करना है तो आप महीने ही लिखोगे, ये तो मैंने आपको मेरी तरफ से बताया है, आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हो, राइट। चलिए, बाकी आपको कोई डाउट है तो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे अभी।